अमृता राव का हिंदुस्तानी रूप उनके लिए एक बार फिर फायदेमंद साबित हुआ और इस बार उनकी झोली में आ गई है प्रिया और चिंतन के इंटरनेशनल शो का प्रमोशन, जिसके लिए वो फिलहाल कर रही हैं एक फोटोशूट और वीडियो शूट। आई एम जस्ट स्पॉटिंग अ प्रिया एंड चिंतन आउटफिट टुडे एंड द लास्ट रिलीज वॉज विवाह और उसमें जो एक इंडियनिज्म निकल के आया वो कुछ खास था। अमृता राव का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक सिंपल स्वीट इंडियन लड़की की इमेज उभर आती है और शायद इसकी वजह उनके द्वारा निभाए गए रोल्स ही हैं। अमृता की फिल्म मैं हूं ना में एक वेस्टर्न झलक दिखी तो थी, पर वो कभी बोल्ड कपड़े और सीन्स करती नजर नहीं आई, पर उन्हें स्क्रीन पर हॉट सीन्स करने से कोई परहेज नहीं। इट डिपेंड्स हाउ इट इज शॉट, इट डिपेंड्स हाउ इट इज पोर्ट्रेड एंड देयर इज नथिंग सच एज इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द शॉट। That those alterations can always be handled, but what is most important is your comfort level and your frame of mind at that point of time. Well, Amrita ko bold scenes mein dekhne ke liye to shayad abhi thoda waqt hai, lekin filhal Amrita kar rahi hain big banners aur bade stars ke saath kai filmein. I'm doing a film with David Dhawan. It's called Hook Ya Crook with Siddharth. I'm also completing the E-Nivas film, which is My Name is Anthony Gonzalez. I also start Anil Kapoor's production movie called Shortcut with Akshay Khanna and Arshad Varsi. Again, a very interesting script. पिछले साल शाहिद अमृता की जोड़ी नजर आई कई फिल्मों में और इस जोड़ी को काफी सराहाया गया, लेकिन अब हाल ऐसा हो गया है कि इस जोड़ी को देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कहीं इसकी वजह करीना तो नहीं? इस साल तो नहीं, बिकॉज इस साल मैं जितनी भी फिल्में कर रही हूँ उसमें शाहिद के साथ मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की है, और 2008 would you know be the year where all my films will majorly release. So अभी लगता है कि अगर शाहिद के साथ कोई फिल्म रिलीज होगी तो शायद वो 2010 में ही या 2009 एंड में ही हो पाएगी। अमृता राव हिंदी फिल्मों के साथ साथ रीजनल फिल्में भी कर रही हैं। ऊपर से अब इस फैशन शो के जरिए इंटरनेशनल ऑडियंस का दिल जीतने की तैयारी पूरी है। लगता है अमृता जल्दी छाएंगी हर तरफ। मेघना जोशी, जूम, मुंबई।